अभी एक पाटिल आएगा सर, ओके, वो मीन है, वो तो धूप में नहीं आएगा, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, 10-20 मिनट में, ठीक है। और बाकी छुटमुट आते रहिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको, 9:30 तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, क्या आपसे बैठे सर, बढ़िया, धन्यवाद बहुत बहुत जी सर। दोस्तों, तो अभी आज मुझे चुप रहकर पीछे वॉइस ओवर का यूज करना पड़ रहा है, जिसके दो रीजन हैं। पहला रीजन तो यह है कि अभी मुझे बहुत तेज कोल्ड है, और रीजन नंबर टू, मेरे पीछे बैठे हुए दोनों लड़के हैं, और अगर मैंने अभी बात करी तो मेरा बहुत सारा हैवी लॉस हो जाएगा, क्योंकि आज मैं आया हूँ 7 तारे, जो कि बर्डिंग के लिए एक पैराडाइज है, और यहाँ पर हमें बहुत तरह की बर्ड्स देखने को मिलती है, जिसको अभी मोरोप और अभिनंदन शूट कर रहे हैं। अब थोड़ी और चीजें अभिनंदन से जानते हैं। तो दोस्तों, अभी हम हाइट में बैठे हुए हैं, और हाइट में बैठे बैठे चाय पी रहे हैं, और मस्त यहाँ पे बर्ड्स का वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे बैठे बैठे ही हमको कम से कम अराउंड 20 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स वी हैव सीन टिल सो फार। तो मतलब काफ़ी मस्त एक्सपीरियंस है। अगर किसी को भी नेचर या फिर बर्ड वॉचिंग का शौक है तो उस भाई को बिल्कुल यहाँ पे आना चाहिए। तो दोस्तों, तो अपना वो सेशन फाइनली कंप्लीट हो गया, इसलिए मैं बोल सकता हूँ, और हमें ऐसा पीछे वॉइस ओवर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभिनंदन अभी गुस्सा नहीं करेगा। तो खैर, तुम्हें मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा, मेरे को बहुत सारा कोल्ड हो रहा है, पर फिर भी ये आदमी, ज़ालिम आदमी मेरे को ले आया है। तो आज हम लोग कौन कौन है, इसको कोल्ड पता है क्यों होता है? इसको कोल्ड इसलिए होता है क्योंकि ये एक ही वाई 1500 की ऑक्सीजन अपने शरीर में ले रहा था। तो मैंने बोला भाई हम फिर अच्छी जगह पे चलते हैं। यस, इससे दिवाली के बाद हम दिल्ली छोड़ के बाहर आ गए हैं। सत्तल कर रहे हैं। 7 ताल जगह का नाम है, नैनीताल के पास ये जगह है, और ये जगह बर्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर बहुत तरह की बर्ड्स हमें दिख जाती है। तो अभी मोरू भाई, अभिनंदन भाई, रौनक भाई, हम तीनों आ गए हैं, एंड यहाँ पर अपना, मतलब मैं तो फोटोग्राफी नहीं करता हूँ, बट मोरोप और अभिनंदन ये दोनों लगे हुए हैं फुल ऑन फोटोग्राफी करने में। तो खैर, मैं तुम्हें जगह दिखाता हूँ जहाँ पर अभी हम लोग स्टे कर रहे हैं, जहाँ पर ये स्टे कर रहे हैं। इस जगह का नाम है वाइल्ड कमोन, यहाँ पर तुम पढ़ सकते हो। तो ये बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर जो तुम देख रहे हो, यहाँ पर भी इस तरह से हाइट बनाया गया है, जिसके अंदर फोटोग्राफर या फिर तुम बाइनोकुलर्स लेके बैठ सकते हो, एंड देन सामने यहाँ पर चारा और फूड्स और फीडिंग करा दी जाती है बर्ड्स को, जिससे बर्ड्स यहाँ आती है और तुम एक्चुअली अच्छी फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हो। तो अभी मैं तुम्हें थोड़ी सी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, और ये प्रॉपर्टी देखने में तो अमेजिंग है ही, मगर इसकी एक और यूनिक बात है कि ये जंगल के बीच में। तो हम लोग लिटरली जंगल के बीच में, कल रात के अंदर हम लोग बाहर जाने वाले थे वॉक पे डिनर के बाद, पर भैया ने वार्न कर दिया कि यहाँ पर भालू, शेर, कुछ भी कभी भी मिल सकता है, तो संभल के जाओ, इसलिए मतलब मत जाओ, तो हम नहीं गए। तो खैर, अभी तुमने क्योंकि प्रॉपर्टी देख ली है, तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन पे, जहाँ पर कुछ यूनिक बर्ड्स की स्पीशीज हम लोग देखने जा रहे हैं। आ जाओ। तो दोस्तों, सात ताल नाम है वैसे तो। खैर, वहाँ से हम लोग 2-3 किलोमीटर आगे आ गए हैं, और हमारे साथ एक अंकित भाई भी हैं, जो कि स्पॉटर है और गाइड भी है। तो वो उन्हें एक्चुअली वो इस एरिया से फेमिलियर है, तो उन्हें पता है कहाँ पर क्या स्पीशी, कहाँ पर क्या बर्ड मिलता है। तो अभी इसलिए हम लोग यहाँ पर रुके हैं, हम लोग जा रहे थे रस्ते से, और तभी अंकित भाई ने एक आउल स्पॉट कर लिया, तो पीछे सारे चले गए हैं आउल की तरफ। चलते हैं, आउल देखते हैं, एंड देन आगे कुछ ब्रिज है, बहुत सीनिक व्यूज हैं, वहाँ जाएंगे एंड देखेंगे हमें क्या स्पीशी मिलती है आज। तो मेन रोड के साथ में ऐसा छोटा सा ट्रेल है जिस पे हम लोग अभी चल रहे हैं, साथ में यहाँ देखो एकदम नदी बह रही है, और क्या सनलाइट आ रही है, ओहो ब्लॉक हो गई, बट अब ये सनलाइट का शॉट देखो कितना प्यारा लग रहा है। खैर, आवर सर्च कंटिन्यूज। यार, टूटा हुआ ब्रिज है, अभी नहीं टूटा है, अभी ठीक है, बट ये अंकित भाई हैं पीछे, ये अभी बता रहे थे कि थोड़े टाइम पहले टूट गया था, तो वापस से बना है। ये लास्ट मंथ 18 तारीख को टूटा था, अभी नवंबर चल रहा है, मतलब 18-19 अक्टूबर के बीच में ब्रिज टूटा था, और ये ब्रिटिश टाइम का ब्रिज था,
मतलब बहुत ही अच्छे से बना हुआ, मतलब डिसेंट स्ट्रक्चर था और ब्रिटिश टाइम का था, वो भी बह गया क्योंकि यहाँ पर फ्लैश फ्लड आए थे। तो इसलिए ये टूटा हुआ ब्रिज है, कच्चा ब्रिज है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। ये अंकित भाई है और ये दो हमारे फोटोग्राफर दोस्त, जाते हुए दिख रहे हैं तुम्हें, हाँ ये रे, हाँ स्क्रीन छोटे ना मेरी, तो यार ये दोनों यहाँ जा रहे हैं। और अभी इन लोगों ने क्या स्पॉट किया है, क्रस्टेड किंगफिशर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा किंगफिशर है। अभी जो ये लोग खींच रहे हैं इसको क्रस्टेड किंगफिशर बोलते हैं, ये काफ़ी बड़ा साइज होता है इसका और एशिया का सबसे बड़ा किंगफिशर है ये। मिला कुछ? रेस्टार्ट मिला और किंगफिशर मिला। अच्छा मिला, जबरदस्त। क्रस्टेड किंगफिशर, क्रस्टेड, यस, एशियाज लार्जेस्ट किंगफिशर। भैया ने एक बार, मैंने बताया एक बार, भैया ने बताया एक बार, तूने बताया, तीन बार ही हो गया, तीन बार ही हो गया। रट लो, देख लो कितनी नॉलेज मिलती है तुम लोगों को मंकी मैजिक पे। कहाँ मिलेगी, डिस्कवरी के बाद मेरे को लगता है मंकी मैजिक ही आता है। मजाक कर रहा हूँ। तो अब रोड साइड से हटके थोड़ा और आगे चल के हम आ गए चाफी गांव में, और यहाँ पर आगे एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है, बहुत ही प्यारा ब्रिज है एक्चुअली, जो जैसे मैंने पहले कहा था वो वाला ब्रिज जो टूट गया था वो भी ब्रिटिशर्स के टाइम का था, और ये वाला ब्रिज भी ब्रिटिशर्स के टाइम का है। तो चलते हैं ब्रिज देखते हैं एंड देन यहीं पर हमारी ये सारी फोटोग्राफी कंटिन्यू होगी। और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को थोड़ा ऐसा लेथार्जिक फील होता जा रहा है, क्योंकि मेरे को कल तो बहुत तेज़ बुखार था, फिर भी आज मैं डोल रहा हूँ, तो ठीक नहीं है ये बात। कोई बात नहीं, जब मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही थकान उन लगी तो फिर मैं बैठ जाऊँगा, बट अभी ब्रिज तक चलते हैं। ओ भाई, ब्रिजेस के लिए मेरे को लगता है मेरे दिल में अलग ही प्यार है, एक वो तुरतुक वाला ब्रिज, ये एंड देन ये वाला ब्रिज। क्या सुंदर लग रहा है, क्या कमाल का है ब्रिज है यार। तो यार मेरा तो, मेरे को गेम ओवर लग रहा है, बहुत थकान होने लगी है, तो मैं आगे नहीं जा रहा। वो लोग यहाँ से रिवर के साइड वॉक करते हुए थोड़ा और आगे चले गए हैं, डेफिनेटली बहुत अमेजिंग शॉट्स मिल रहे होंगे, बट मेरे से नहीं हो पाएगा। तो खैर, अरे यार मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं क्या डेली व्लॉग्स डालना मिस कर रहा हूँ। तुम में से जिस जिसको नहीं पता है, और अगर बाय चांस कोई वीडियो पहली बार ही देख रहा है हमारे चैनल पे, पहली बार ही आया है, तो मैंने 30 दिन का डेली व्लॉग का चैलेंज किया था, 25 दिन में मैंने ख़त्म कर दिया, उसके अलग रीज़न थे पर 25 दिन में मैंने ख़त्म कर दिया था, तो वो तुम यहाँ पर प्लेलिस्ट देख सकते हो अगर देखना चाहते हो। तो अब फाइनली आते हैं मुद्दे पे, जो इस वीडियो का टाइटल है। जी हाँ, अभिनंदन भाई साहब हमारे लखपति, करोड़पति, अरबपति हो चुके हैं, और जो उनके पास ट्राईपॉड है वो 80,000 रुपये का है। ऐसा क्यों है, उस ट्राईपॉड में क्या हीरे लगे हैं, क्या सीन है, तो मैं बताता हूँ उस ट्राईपॉड में ऐसा है क्या, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। मिलते हैं दोस्तों। सुबह से हो गई है शाम और मैं तुम्हें ट्राईपॉड वाला चीज़ नहीं दिखा पाया, पर कोई बात नहीं, एक बार और ट्रांजिशन कर लेते हैं और मैं तुम्हें कल सुबह मिलता हूँ, क्योंकि मैं थक के सो गया था, दवाई खाई में सो गया, तो फिर से ट्रांजिशन करते हैं, कल सुबह मिलते हैं एंड हीरे लगा हुआ ट्राईपॉड देखते हैं। मुझे पता है अभी सुबह नहीं हुई और मैंने बोला था सुबह को कुछ मैं बहुत अच्छा दिखाऊंगा, मगर अभी जो हो रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो पहले ये देखते हैं फिर ट्राईपॉड देखेंगे। देखो यार, महंगी चीज़ का इंतज़ार थोड़ा लंबा हो तो भी मज़ा आता है। अब ये देखते हैं। तो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं वुड आउल देखने के लिए। वुड आउल सिर्फ रात में दिखता है, नहीं ऐसा नहीं है, दिन में भी दिखता है, लेकिन अभी हम लोग क्योंकि फ्री बैठे थे तो हमने कहा यार कि थोड़ा रात में भी घूमते हैं, बर्ड वॉचिंग रात में भी करते हैं, तो अभी हम निकले हुए हैं ऐसे जंगल में। और ये प्योर फॉरेस्ट है, तो ऐसे नहीं है कि हम कोई सेफ जगह पे ऐसे पूरे जंगली जानवर घूमते हैं, कोई लेपर्ड वेपर्ड कुछ भी आ सकता है इधर। Plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. अभी स्पीकर पे आउल की कॉल निकाली जा रही है, इन होप कि आउल आए, हमें दिखे, और ये अभिनंदन सुसु कर रहा है बीप। बिल्कुल, चलो इतना ढूंढने का फायदा हुआ कुछ। तो दोस्तों, हमें उल्लू तो नहीं मिला, पर हमें मिला लॉन्ग टेल नाइट जार। उल्लू हमें इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमारे साथ एक उल्लू ऑलरेडी है। यहाँ पर करेक्ट वर्ड लिखा है, पर खैर मेरा गला खराब हो चुका, मैं सुबह उठ के पक्का तुम्हें समीर आदमी का ट्राईपॉड दिखाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। इसके गले में
चल बाय, सुबह मिलते हैं। यो दोस्तों, तो इंतजार यहाँ खत्म होता है और समय आ गया ग्रैंड रिवील का। ये भैया ने हमारे ट्राईपॉड खरीदा है, बहुत ही स्टर्डी, बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही महंगा। तो इसे पूछते हैं कि ऐसा इस ट्राईपॉड में क्या है। हीरे वीरे तो मेरे को दिख नहीं रहे हैं, पूछ लेते हैं। यो सो दिस इज लेग्स आर फ्रॉम बेंड्रो। बेंड्रो इज USA बेस्ड कंपनी, अमेरिकन कंपनी, और जो हेड है वो है मैनफ्रोटो का। मैनफ्रोटो इज अ यूरोपियन कंट्री। तो इस ट्राईपॉड की खास बात रुकावट के लिए थोड़ा खेद है, हम जल्दी रिज्यूम करते हैं इस चीज को। अच्छा, ऐसा क्या है इसके अंदर जो 80,000 रुपए का? भाई इसका ऐसा है कि जो मैनफ्रोटो कंट्री है ना, इसका वीजा लगता है। नहीं नहीं, इसका इसमें खास बात भाई ऐसे है ना कि हम लोग ऐसे हमेशा जंगल में घूमते रहते हैं और ऐसे पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो फिर मेरे को कुछ चाहिए था जो कि बहुत लाइट वेट हो। ये जो ट्राईपॉड है ये बेसिकली कार्बन फाइबर बेस्ड है, तो इसमें जो वेट है सब बिल्कुल हल्का हल्का है। तो ट्राईपॉड के लेग्स 2.5 किलो के हैं और जो हेड है वो 2.5 किलो का है, तो टोटल 5 किलो की किट है ये। और ट्राईपॉड में मैंने इन्वेस्ट इसलिए किया क्योंकि यार ट्राईपॉड जो चीज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने ये ट्राईपॉड लिया हुआ है, ऑब्वियसली ये इससे भी ज़्यादा बड़े कैमरास और सब कुछ इस पर लग सकता है। सिनेमा कैमरा के हिसाब से ये ट्राईपॉड है। और जो ये वीडियो हेड है ना, वीडियो हेड एक्चुअली मेरा बहुत फेवरेट वीडियो हेड है, क्योंकि ये कंज्यूमर, मतलब अगर आपका कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं है और आप पर्सनल फिल्म मेकिंग करते हो जैसे हम लोग जैसे, तो उसके लिए ये परफेक्ट है। मतलब क्योंकि एक तो कॉस्ट एफिशिएंट है, तो ये 50,000 के समथिंग आपको इसे वीडियो हेड मिल जाएगा। और लेकिन जो ये फंक्शंस प्ले करता है, तो इसमें 12 किलो तक का आप एक कैमरा लगा सकते हो और बहुत ही ज़्यादा इसे बटर स्मूथ, सिल्की स्मूथ वीडियोस आती हैं। तो मतलब जितने भी इसकी पैनिंग और टिल्टिंग है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, तो इसलिए कोई भी, मतलब आप जब जितने भी शॉट्स देखोगे एकदम सिनेमैटिक लेंगे और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बेसिकली। अगर आप एक अच्छे ट्राईपॉड में इन्वेस्ट करते हो तो फिर आपको बार बार ट्राईपॉड नहीं लेना पड़ेगा कि इसे लोग, मैंने देखा है 10,000 का, मैंने भी पहले 10,000 रुपये 15,000 का ट्राईपॉड लिया था, लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ में इशू होता रहता था। तो इसलिए एक बार ही में इन्वेस्ट करो, अच्छा इन्वेस्ट करो, और फिर वो तुम्हें ऑलमोस्ट इजीली 5 से 6 साल अच्छा काम करके देगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है कि कैमराज हर साल नए आते रहते हैं, बट ट्राईपॉड तुमने एक बार ही ले लिया तो ये सालों साल चलता है। ट्राईपॉड ऐसा नहीं है कि ख़राब हो जाएगा, तुम्हारा तमीज़ से चलाओगे 10-15 साल भी ट्राईपॉड निकाल देता है। और 5-6 हज़ार के ट्राईपॉड लेते रहोगे, टूटते रहेंगे, वेस्ट होते रहेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इस भाई का ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो यार वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो एक लाइक, एक कॉमेंट ड्रॉप कर दो, और क्या करो, दोस्तों से भी लाइक और कॉमेंट ड्रॉप करवाओ भाई। सिर्फ तुम्हारे लाइक और कॉमेंट करने से काम नहीं चलेगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू। सो गाइस, फाइनली टुडे वी आर बैक इन द वुड्स। वुड्स बस ठीक है, बोलने दे उसे, बोलने लगी, चुप। सो फाइनली गाइस, वी आर इन द फॉरेस्ट एंड डूइंग सम बर्डिंग, एंड टुडे फॉर्चुनेटली एंड कोइंसिडेंटली इट इज अ बर्ड वॉचिंग डे, एंड वी आर रियली एक्साइटेड टू शेयर ऑल द फुटेजेस वी हैव विद यू ऑल, एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू। इन दोनों के इंस्टाग्राम लिंक यहाँ पर मेंशन है, तो मोरूप को फॉलो कर सकते हो। अभिनंदन को तुम्हें कर लिया होगा, नहीं करना तो इसको भी फॉलो नहीं करना इसे। अभिनंदन का मेंशन नहीं है, मोरूप का मेंशन है, तुम फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छी स्नो लेपर्ड की फोटोज वगैरह देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो। ओके दोस्तों, बाय बाय।